एवरीवन, सो आज मैं करने वाली हूँ अपनी पूरी बायोलॉजी। सो बेसिकली आज हमारा है 9th of Feb और 11th of Feb को मेरा है ऑलमोस्ट फुल सिलेबस ऑफलाइन टेस्ट, एंड देन 12th को हमारा फिजिक्स वाला में है। सो ऑलरेडी मैंने केमिस्ट्री अपनी कर ली थी, फिजिक्स अपनी कर ली है, बायोलॉजी भी मैंने कर ली थी, बट मुझे एक फ्लो में करने की आदत है कि हाँ एक बार में बैठ के पूरी बायोलॉजी कम्प्लीट करना। सो आज मैं 9th Feb है, मैं ट्राई करूँगी कि मेरा पूरा 11th की बायोलॉजी पूरी हो जाए, क्योंकि इस बार मैं NCERT को करूँगी इसको मैं करूँगी। और इसका रीज़न ये है, इस बार मेरे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस गलत हो गए थे और यही रीज़न है मैं इसको करने वाली हूँ साथ में अपने नोट्स के। तो चलो करते हैं एंड ट्राई करते हैं कि आज ही कम्प्लीट हो जाए, आज नहीं होगा तो फिर कल तक तो कम्प्लीट करनी है, क्योंकि परसों मेरा टेस्ट है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्रेक में, तब तक पढ़ते हैं। तो जी रीज़न क्या है, मतलब मैंने आप लोगों से पोस्ट में शेयर भी किया था कि मैं समथिंग डिफरेंट ट्राई करने वाली हूँ ब्लॉग में, बट वो ये वाला वीडियो नहीं था। मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बना ली हैं एंड मैं बैक टू बैक वो अपलोड भी करने वाली हूँ। सो बेसिकली मैं ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा सा मतलब अपना प्रीवियस ब्लॉग से डिफरेंट बनाऊँ, एंड उसका रीज़न मैं बताती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ ये चीज़ बार बार करते करते, एंड ऑल्सो अपनी इस नीट की जर्नी से भी, जस्ट बिकॉज एज यू ऑल नो बींग अ मल्टीपल टाइम ड्रॉपर बार बार उसी चीज़ को पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहा था। एंड ऑल्सो पता है जब आप इनिशियली स्टार्ट करते हैं ना एग्ज़ाम के बाद, तो आप बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक रहते हैं, मतलब आपका होता है कि भाई हम तो इस बार फोड़ देंगे, 700 प्लस ले आएंगे। लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर जर्नी जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आता है ना, तो आपकी एनर्जी बहुत डाउन चली जाती है, एंड आप जब सेम फ्लो में करते रहते हैं ना, तो आपकी एफिशिएंसी रिड्यूस होने लगती है। और मैं यही फील कर रही थी कुछ दिन से। सो मैंने सोचा कि देखो व्लॉग के थ्रू, क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, मैं किसी से इतने ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, एंड आप लोग ही हो जिसके थ्रू मैं मतलब अपना जो भी बात है फ्रस्ट्रेशन वगैरह भी निकाल लेती हूँ, या फिर जो भी बात होती है शेयर कर देती हूँ व्लॉग में। एंड लास्ट ईयर ये हुआ था जब कोटा में ना मैंने 1 या 1.5 मंथ पहले ना वीडियो बनाना बंद कर दिया था, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी। सो मैंने सोचा कि देखो इस बार मैं वीडियो लास्ट तक बनाऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट करती हूँ जिसको बनाने का मेरा भी मन करे। सेम चीज़ बना के मैं बोर हो गई थी, सो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा चेंज करने की कोशिश की है। अगली जो नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाली हैं उसमें आप देखेंगे और भी काफ़ी चेंजेस किए हैं वीडियो में। अच्छा मुझे कमेंट में बताना कि ये जो चेंजेस आप लोगों को अच्छे लगे या नहीं लगे, और अगर नहीं लगे तो भी बताना पहले जैसे बना देंगे, और लगे तो भी मुझे बता देना सो दैट मैं थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करूँ वीडियोज़ में। तो यही था जो आप लोगों से मुझे शेयर करना था। एंड ऑल्सो देखो मैं यहाँ पर किसी की कोई कॉपी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिन पहले आई थिंक 2 मंथ पहले बोला था कि मैं समथिंग कुछ ट्राई करने वाली हूँ एंड वो आप लोगों से शेयर करूँगी, तो वो यही चीज़ थी। मैं चाहती हूँ उसको थोड़ा नॉर्मल व्लॉगिंग के वे में बनाना। PM और अभी मेरी प्लांट फिजियो भी कंप्लीट नहीं हुई है, मुझे ह्यूमन फिजियो रिवाइज करनी है। सेल वाला मेरा हो गया है, मैंने मॉर्निंग में कर दिया था वो अर्ली मॉर्निंग, और ये मेरा सेकंड कप ऑफ टी है जो अब सुबह से अब तक मैं 3rd कप ऑफ टी पी रही हूँ। आई नो 2 PM तक 3 कप चाय बहुत ज़्यादा होती है, पर जब इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है ना, तो थोड़ा बहुत हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। एंड एज यू कैन सी मेरे टैब की बैटरी हो रही है बिल्कुल डाउन, अच्छा बेसिकली ये डेड हो गया है। और अब मैंने यूज़ करने वाली हूँ अपना ये फ़ोन टाइमर के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टाइम लगाना। और यहाँ पर इसको हम लगा देते हैं चार्जिंग पर, और यहाँ पर मैं क्लिप लगा देती हूँ अपनी इस NCERT में, क्योंकि बहुत दिन बाद मैं NCERT यूज़ कर रही हूँ ना, तो ये पेपर ना मुझे बहुत इरिटेट कर रहे थे, क्योंकि ऊपर नीचे होता है एंड रजिस्टर में तो ऐसा होता है नहीं। सो बेसिकली जो मैं अपनी NCERT यूज़ कर रही हूँ वो इसलिए यूज़ कर रही हूँ, एंड साथ में ना अपने नोट्स भी लेकर चल रही हूँ। तो मैंने ना लास्ट ईयर बिल्कुल भी NCERT नहीं उठाई थी, एंड मुझे फील हो रहा था कि मे बी मैंने NCERT नहीं पढ़ी इसलिए मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं। अच्छा पढ़ते पढ़ते मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी टी तो यही है, तो पहले मैं इस टी को फिनिश करूँगी, उसके बाद आगे का कंटिन्यू करूँगी। सच में अगर रियलिटी वाली बात बताऊँ ना, तो मतलब ऐसा था नहीं, क्योंकि जब मैं अपनी NCERT को साथ में पढ़ रही थी ना नोट्स के साथ, तो मुझे फील हो रहा था कि मैंने NCERT की एक एक लाइन इसने लिखी हुई थी। बट क्या करें, इंसान का जो वहम होता है ना उसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं भाई मैं NCERT कर ही लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचेगी कि भाई ये रीज़न है मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर मैं NCERT भी कर रही हूँ और साथ में अपने नोट्स भी कर रही हूँ। वैसे आज मैंने ना पूरा कोशिश किया है कि मैं अपनी NCERT को कंप्लीट कर लूँ 11th की, बट देखते हैं वीडियो के लास्ट में कि मैं उस टारगेट को अचीव कर पाई हूँ या नहीं, क्योंकि नोट्स एंड NCERT दोनों साथ साथ करना बहुत टाइम ले रहा था।
यही रीज़न था। अच्छा, तो अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे कि हम इस टाइम पे रिवीजन कैसे करें, क्योंकि ये वो टाइम चल रहा है ना जहाँ पर ना अगर थोड़ा सा भी हम अपने आप को ना ढीला छोड़ देंगे ना तो सिलेक्शन से दूर हो सकते हैं। तो देखो, आप लोगों को एक बात बताऊँ कि जो आपकी क्लास में चल रहा है ना उसको तो आप डेली ही रिविजन में रखो, उसके साथ टारगेट जो करो ना अपनी टेस्ट सीरीज को करो। लाइक बहुत से स्टूडेंट इस टाइम ना वन शॉर्ट वीडियो देखने लगते हैं, अपनी जो मेन क्लास है उसको स्किप कर देते हैं, बट वहीं पर वो सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि वन शॉट में ना टीचर हर कॉन्सेप्ट को नहीं अपना कवर करता है ना। ये सब बात वो खुद भी आप लोगों को बताते हैं अगर आपने सुनी हो या नहीं। बैक अगेन, सो अभी मेरी हो गई ये प्लांट फिजियो कंप्लीट हो चुकी है एंड ह्यूमन फिजियो की भी मैंने कुछ चैप्टर कर दिया है, बट अभी मुझे आरिति ने और पीछे से एक्सप्लेन कि क्या हो रहा है, काम होने वाली है, तो अब मैं लेती हूँ ब्रेक, थोड़ा सा नैप, उसके बाद फिर से अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। एंड हाँ, जो पूछ रहे थे कि भैया आपके नोट्स करके हमारे फुल आउट ऑफ फुल आ जाएंगे, तो सिंपल इतना पॉइंट है, इसे पढ़ के आए भी हैं और अपना बता देती हूँ मेरी भी 350 आए इसे पढ़ के। वो अलग बात है, इस बार मेरे पेपर में पता नहीं मैंने क्या ही मिस्टेक की थी जो मेरी मिस्टेक हुई है। तो अगर आप इसको साथ में एनसीईआरटी के साथ पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि हाँ आप साथ में एनसीईआरटी भी रख लें और इसे भी साथ में अपने करते रहें। रीज़न ये है, फिर कुछ लाइंस भी स्किप हुई हो तो वो भी आप कवर कर लोगे। वैसे मैंने कोई लाइन स्किप नहीं की थी, तभी मेरे भी 350 आए थे इसमें से और इसको पढ़ के आए भी थे, बट इस बार मैं अपनी एनसीईआरटी को पढ़ के चल रही हूँ। सो आप भी कर सकते हैं, बाकी आप पर डिपेंड करता है। एंड यहाँ पर ये छोटू सा बेबी ना नाराज बैठा था। एंड नाराज क्यों था, क्योंकि उसको आजकल टाइम नहीं मिल पा रहा है और मेरी सिस्टर के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं एंड मैं भी बिज़ी हूँ, तो यही रीज़न है। आप देख सकते हैं किस तरीके से गुस्से से वो चली गई है मेरे पास से। अच्छा, तो बात यही मैं बोल रही थी कि देखो, वन शॉट अगर आपको देखना भी है ना तो आप ना उसके साथ टेस्ट ज़रूर से दें, कोई सी भी टेस्ट सीरीज परचेज कर लें। अगर आप टेस्ट को अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो वन शॉट आपके ठीक है। अदरवाइज ना जो आपका मेन बैच है ना उसी से ट्राई करो अपना सिलेबस कम्प्लीट करने का। एंड उसके साथ जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिविजन, आपको रिविजन ऐसे मेंटेन करना चाहिए कि लाइक जो क्लास में चल रहा है उसको आप कंटिन्यू करके रखें, बट जो है ना रिविजन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें। लाइक अब ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि भाई आप ना जो क्लास में चल रहा है उसका भी रिविजन कर लेंगे एंड जो पीछे का है उसका भी रिविजन कर लेंगे, क्योंकि भाई दिन में हमारे 24 आवर्स होते हैं और उसमें हमें सोना भी होता है और इधर अभी टाइम जाता है हम लोगों का। तो आप ना जो मेन टेस्ट सीरीज चल रही है ना उसके अकॉर्डिंग अपना रिविजन स्टार्ट कर दो, मतलब टेस्ट को इस तरीके से दो जैसे आपका मेन एग्जाम है ना, और जो क्लास में चल रहा है उसको ऐसे ही कंटिन्यू रखो, तो ऐसा आपका रिवीजन भी मेंटेन रहेगा। अदरवाइज अगर आप ये सोच रहे होंगे कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जब आप रिवीजन करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। सो यस, मैंने अपनी ऑलमोस्ट 11th की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली थी एंड यहाँ पर मैं पी रही हूँ पानी, क्योंकि जैसे विंटर होती है ना तो हम पानी का इंटेक बहुत कम कर देते हैं एंड जो हमें नहीं करना चाहिए। वैसे भी ये हमारा बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन का क्या प्रोवाइड करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है, क्योंकि मैं भी बायोलॉजी पढ़ रही थी तो वहाँ पर ये लाइन थी। हम लोगों को ना अपना रिवीजन भी मेंटेन करके चलना चाहिए। एंड बाकी मेरी एक यूनिट रहती है जो लिविंग वर्ल्ड है, उसको मैं कल कर लूँगी क्योंकि वो मेरे नेक्स्ट टेस्ट में आ रही है, अभी वैसे भी आ नहीं रही है एंड मुझे और भी चीज़ पढ़नी है। चलो, मिलते हैं हमसे नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में, टिल देन बाय।